अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर्स बाय सानिया। आज हम बनाएंगे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बीफ नान चाप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg बीफ, उसमें ऐड करेंगे 1.5 tablespoon जिंजर पेस्ट, 2 tablespoon गार्लिक पेस्ट, 3 teaspoons ऑफ सॉल्ट, 1 cup पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे हम एक विसल के बाद 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ हमारा बीफ रेडी हो चुका है। हम इसका स्टॉक निकालकर एक तरफ अलग रख देंगे। अब हम बाकी का स्टॉक ड्राई कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 cup ऑयल ले लेंगे, उसमें 3 to 4 मीडियम साइज अनियंस चॉप करके डालेंगे और उसे 5 to 6 मिनट सॉटे कर लेंगे। 1 tablespoon गार्लिक डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। अनियंस भूनने के बाद हम इसमें 2 tablespoon कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 2 tablespoon क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे, 2 tablespoon रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 tablespoon कश्मीरी रेड चिली ऐड करेंगे, 1 tablespoon गरम मसाला ऐड करेंगे। 8 to 10 मिनट्स लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। हम जो स्टॉक निकाले थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। 2-6 मीडियम टोमेटोज चॉप कर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोमेटोज को जूसी होने तक कुक करना है। हम बीफ को श्रेड करके इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बीफ मिक्स करने के बाद हम इसमें 5 to 6 बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज ऐड करेंगे, कोरिएंडर चॉप कर ऐड करेंगे और अच्छी तरह लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे 5 to 6 मिनट्स। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। एक पैन में बटर डालकर नान को अच्छी तरह सेक लेंगे। अब हम नान सैंडविच रेडी करेंगे। नान पर ग्रीन चटनी अप्लाई कर देंगे। अब जेनरस अमाउंट बीफ की फिलिंग ऐड कर लेंगे, उस पे अनियंस लगाकर नान से कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी की भी सैंडविचेस रेडी कर लेंगे और अब हम बटर से उसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। हमारी नान सैंडविच रेडी हो गई है। अब इसे एंजॉय कीजिए। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी।